Singh Solanki, and if you don't know me, I have cleared CS Executive December 20 exams in first attempt, and currently I am in CS Professional. So you can message me or you can just follow me on Instagram and LinkedIn. It's up to you. मतलब आप जो भी चलाते हैं वो आप please DM कर सकते हैं अपनी कुछ भी queries और मैं reply कर देता हूँ सबके. So you can DM me there और comment भी कर सकते हैं आपको ये video कैसा लगा. And I am planning to start subject wise strategy. मतलब subject wise कैसे पढ़ना है हर एक चीज़ बताऊँगा उसमें subject को कैसे लेके चलना है आज से लेकर एंड तक मॉड्यूल के साथ नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स हाईलाइट स्टिकी नोट्स सब कुछ मैं बताऊंगा. इफ़ यू वांट टू वीडियोस तो कमेंट डाउन मैं ट्राई करूंगा वो चीज़ करने का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो हाउ टू प्लान दिसंबर 21 एग्जाम्स को प्लान करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कैलेंडर मतलब एक कैलेंडर बनाओ अपने लिए या फिर आप खरीद लो छोटा सा अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है. लेकिन आप बना सकते हो खुद से हैंड रिटन बना लो सब अगर डेट लिखो आज से ही बनाओ मतलब पूरा जनवरी से बनाने की जरूरत नहीं 4 मंथ का 5 मिनट आएगा बना सकते हो. इफ नहीं तो खरीद लो 15-20 रुपये का आएगा जितने का भी तो वो आप करो. उससे क्या तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास दिन कितने बचे हैं मुझे हर दिन क्या क्या पढ़ना है. तो एक डायरी भी रखो कि हर दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है तो आप ये कर सकते हो. सो और फिर क्या करना है हाँ अगर आपके लेक्चर्स खत्म नहीं हुए तो प्लीज़ लेक्चर्स खत्म कर दो अभी अगस्त में एंड में ट्राई टू खत्म मतलब सारे खत्म कर दो लेक्चर्स ज़्यादा मत करो क्योंकि लेक्चर्स में टाइम लगेगा तो रिवीजन नहीं कर पाओगे. रिवीजन के लिए 3 मंथ्स इज नेसेसरी. ठीक है तो लेक्चर एंड कर दो अभी अगस्त में नहीं हो पा रहे हैं तो एक वीक सेप्टेम्बर को और ज़्यादा भी ले सकते हो इट्स अप टू यू. ठीक है तो वो आपने खत्म कर दिए लेक्चर्स अभी आपने लेक्चर्स खत्म करे और उसके बाद फर्स्ट डे से कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ उस चीज़ के लिए. एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लो मतलब कंपनी लॉ CMA मैं मतलब ये लेता था मैं ऐसे करता था क्योंकि और सब एक अपना बेस्ट सब्जेक्ट होता है ना हर मॉड्यूल में एक या 2 उन पे ज़्यादा फोकस करूँ क्यों उससे अपना एग्रीगेट खिंचता है मतलब अपने एग्रीगेट मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं. और मैं हर चीज़ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा वैसे कैसे पढ़ना है बट ऐसे बता रहा हूँ कि हर मॉड्यूल में तुम्हारा एक या 2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको तुमको पढ़ने में बहुत मजा आता होगा उसको और स्ट्रॉन्ग करो मतलब उसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए एग्जम्पशन हो जाए तो इससे तुम्हारा एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं जाते जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट हैं. तो ये कर सकते हो एक ठीक है और 2 सब्जेक्ट लो. मैं क्या करता था कंपनी लॉ और CMA लिया था मैंने फर्स्ट वीक में वो मेरे को 6 डेज लगे थे खत्म करने में विथ मॉड्यूल. मॉड्यूल से पढ़ना बहुत जरूरी है एक बार एटलीस्ट मॉड्यूल पढ़ो लेक्चर खत्म होने के बाद क्योंकि लेक्चर होते में टाइम नहीं मिलता है. आई नो मैं भी नहीं कर पाता था बट अगर आपके पास है टाइम तो प्लीज़ मॉड्यूल करो अभी भी है ऐसे टाइम 3 मंथ बहुत होते हैं तो आप कर सकते हो. तो 2 सब्जेक्ट लिया तुमने वो फर्स्ट 6 डेज में किया खत्म मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स 5 घंटे को 5 घंटे को दिन में ले सकते हो तो अपने हिसाब से कि आपको 2 सब्जेक्ट करने या 3 सब्जेक्ट करने तो वो आपने करा. संडे को आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने प्रीवियस ईयर के वो आपको ICSI की वेबसाइट पे जाकर मिल जाएंगे तो वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने कि क्वेश्चन कैसे आते हैं जो सब्जेक्ट आपने लास्ट वीक पढ़ा है मतलब उस 6 दिन आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देखने हैं तो वो करो. तो ऐसे करते करते आपके 1 महीने करीब करीब फर्स्ट डिवीजन का लगेगा एक पूरे 8 सब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है और आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको वो उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि आप एक ग्रुप में थोड़ा डिले करते हैं चीज़ों को तो अगर लगते हैं तो जल्दी हो जाता है तो बेहतर है नहीं होता तो 1 महीने आपको भी लगेंगे वो हुआ. उसके बाद सेकंड रिवीजन आपके आते आते तक सितंबर अक्टूबर आ जाएगा मतलब अक्टूबर में आप सेकंड रिवीजन करेंगे. और उस समय सेकंड रिवीजन कैसे करना आपको या तो अगर कंफर्टेबल हो गए मॉड्यूल से तो वो कर सकते हैं या फिर नोट्स उठाइए सर के किसी भी टीचर्स के आप जिससे पढ़ रहे हैं. ठीक है अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे वो करिए अगर आपने बनाए हैं तो नहीं बनाए हैं तो इट्स ओके ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना हो जाता है अगर आप मॉड्यूल से या किसी नोट से पढ़ते हैं तो भी. ठीक है फिर भी मैं नोट्स की वीडियो डालूंगा कि कैसे बनाना है मैंने कुछ सब्जेक्ट ही बनाए थे तो वो आपको करना है. सेकंड रिवीजन में क्या कर सकते हैं आप स्किप कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो रहते हैं शुरू के चैप्टर्स के है ना वो सब खत्म कर सकते हैं. सेक्शन कोड करिए सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करिए प्रोविजंस पे ज़्यादा फोकस करिए जो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं मतलब आपको लगता है कि टफ है उस पर ज़्यादा फोकस करिए थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए सेक्शन लिखते जाइए लिस्ट बनाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट बनाइए उनको पेस्ट करिए तो ये सब काम आपको यहाँ करना है. डाउट्स क्लियर कर लीजिए सारे और अपने स्टिकी नोट्स उसमें चिपका कर जो भी आप लिख रहे हैं हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं समझ रहे हैं वो सब करिए यहाँ पर. सेकंड रिवीजन ऐसा होना चाहिए थॉरो रिवीजन होना चाहिए इनडेप्थ रिवीजन इसको बोलते हैं. ठीक है ये होने के बाद आपका थर्ड डिवीजन हो जाएगा अक्टूबर मतलब नवंबर आ जाएगा थर्ड डिवीजन का. थर्ड डिवीजन आपका बहुत जल्दी होगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है आपको कोई डाउट्स नहीं है फिर भी आते हैं तो उस समय तक आपके अमेंडमेंट्स और मैराथन आते हैं तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है तो वो आप करिए फिर आपको मैराथन और रिवीजन आने लग जाएंगे उस समय तक नवंबर तक तो सारे टीचर्स करते ही हैं तो आप उस प्लान उसके हिसाब से प्लान करिए अपनी स्टडीज़ की. हाँ इस दिन रिवीजन है सब शेड्यूल बना देते हैं सब टीचर्स डाल देते हैं यूट्यूब में उसके हिसाब से शेड्यूल बनाइए और करिए. नहीं रिवीजन देखना है सब तो आप कुछ भी अच्छे अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है थर्ड डिवीजन भी आपको वही नोट्स से उठाने हैं कोई नया मटेरियल मत लीजिए कुछ मत कीजिए यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए खुद से सॉल्व करिए. राइटिंग प्रैक्टिस यहीं करी जाती है क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ें सब प्रोविजन पता है यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए चीज़ें जो चीज़ लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन में आ सकता है चीज़ें नहीं याद हो रही तो थोड़ा सा आप इनडेप्थ करके याद कर लीजिए उस चीज़ को
जहाँ पे फ्रेज बना सकते हो, एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो, जिंगल्स बना सकते हो, छोटी छोटी जो चीज़ें याद नहीं होती हैं अपन अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि यार चलो अभी ये नहीं तो जिंगल्स बना ली जैसे आईफोन, और ये पता नहीं मैंने बनाए थे थोड़े बहुत, मैं आपको अगर शेयर करूँगा तो कर भी दूंगा वो चीज़ शेयर आपको चाहिए तो ठीक है, आपको ये करना है। थर्ड डिवीजन ऐसे हुआ, थर्ड डिवीजन के बाद टाइम बचता है अगर नवंबर में तो फोर्थ डिवीजन भी हो जाता है, बहुत सही से हो जाता है मतलब अगर आप करना चाहो। मेरे तीन डिवीजन हो गए थे नवंबर तक, अब आते हैं जो लास्ट के 20 डेज बचते हैं दिसंबर के, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आप तब तक वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाता है कि मुझे वहां क्या करना है। आपको गलतियां जो की होती हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में मॉक जो दिए होते हैं वो आप सॉल्व करिए, थोड़ा प्रैक्टिस और करिए। वहां पे क्या होता है रिवीजन उल्टा से शुरू करना चाहिए, मतलब लास्ट पेपर जो है उससे फर्स्ट डे से चालू करना चाहिए कि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते जो आपका सब्जेक्ट है उस बैलेंस बन जाए फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब लास्ट पेपर ऐसा, तो ये हो जाता है ऐसे। तो और मैं 20 डेज में बताता हूँ क्या करना है, बट अभी तो फिलहाल आपको 3 मंथ्स जोरदार मेहनत करके रिवीजन करना है, रिवीजन 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 रिवीजन, हर चीज़ रिवीजन पे टिकी है। आपकी रिवाइज जितना करोगे ना चीज़ें, फर्स्ट रिवीजन में लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल है नहीं समझ में आएगा, सो ओके होता है, एटलीस्ट पढ़ो ना यार, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, बिना पढ़े नहीं समझ में आया। लर्निंग पे फोकस करो, ये मत सोचो कि मेरे को एग्जाम पास क्लियर करना है, नहीं, लर्निंग पे फोकस करो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आगे चल के यही काम देगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पढ़ के एग्जाम ओरिएंटेड ही रह जाते हैं, इसलिए एग्जाम भी क्लियर नहीं होता। सो लर्निंग पे फोकस करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मॉड्यूल से पढ़ना जरूरी है। इंस्टीट्यूट का समझ में आ जाता है कि इंस्टीट्यूट चाहती क्या है तुमसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, क्या है आंसर में देखना, आप देखना उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आंसर जो दिए होते वो सेम टू सेम मॉड्यूल का ही आंसर छाप देते, मतलब बेयर एक्ट, अरे बेयर एक्ट लिखोगे कैसे, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, मॉक लगाओ, नहीं होता है पढ़ो, मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा उस चीज़ को याद कर लो, मतलब ट्राई करो कि वो चीज़ थोड़ी याद हो जाए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना हर चीज़ कंसेप्ट है, हर चीज़ में लॉजिक है, अब कुछ में तो ऐसा चीज़ होती है डेफिनेशन है जो तुम जगल में फर्स्ट चैप्टर में देखो सारी डेफिनेशन है, उसको तुम याद थोड़ी ना करो, पर कंसेप्ट थोड़ी ना लगाओगे वहाँ पे, वो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, तो वो याद करो ठीक है, ऐसे पढ़ाई की जाती है। और इफ़ मैं इसे प्लान बनाया है आपको समझ में आ जाएगा, इस हिसाब से आप ना प्लान बनाइए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान बनाइए, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, ज़्यादा हार्ड वर्क करने करते 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 आप ये भूल जाते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बस पढ़ते जाओ, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो पढ़ो। हाँ, लास्ट में जो महीने आते हैं ना वहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप ऐसा करो, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो आई विल एंड दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू एनीथिंग प्लीज़ कमेंट डाउन, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच।